जैसे कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि अलग अलग वृक्ष पर अलग अलग प्रकार के देवी देवता सूक्ष्म रूप में निवास करते हैं, तो मदार के वृक्ष पर भगवान शंकर तथा भगवान गणेश जी की पूर्ण शक्ति स्वरूप बसते हैं। मदार का पौधा आयुर्वेद की दृष्टि से भी, अध्यात्म की दृष्टि से भी अति पवित्र माना जाता है। आयुर्वेद में इसे अमृत भी बोला गया है। तो ऐसा माना जाता है कि इस पौधे के पत्ते को सूजन पर गर्म करके बांधने से कैसा भी सूजन क्यों न हो, वह सूजन ठीक हो जाते हैं। इसके दो बूंद अगर दूध दांत पर लगा दिया जाए तो कैसा भी भयंकर दांत के दर्द हो ठीक हो जाते हैं। इसके एक पुष्प 1000 गोदान के बराबर माना जाता है भगवान शंकर को। इसके सफेद पुष्प अत्यंत प्रिय है। अगर 108 की संख्या में भगवान शंकर को इसके सफेद पुष्प चढ़ा दिया जाए तो बड़ी से बड़ी जो मनोकामना इच्छा वह पूर्ति उनकी पूर्ति भगवान शंकर जी स्वयं करते हैं, वह इच्छा पूर्ण करते हैं। इतना नहीं मित्रों, अगर यह पौधा भगवान शंकर जी के प्रिय होने के साथ साथ ये पौधा भगवान गणेश जी के भी प्रिय है। अगर इसके 21 पत्ते पर स्वास्तिक बना करके भगवान गणेश जी को भेंट किया जाए तो कैसा भी रोग हो, व्याधि हो, कर्जे हो, वह समाप्त हो जाते हैं, वह कर्जे मिट जाते हैं। आइए मैं आप लोगों को इस वृक्ष के बारे में और भी कुछ जानकारी बता दूं। तो एक बात और बताना चाहूंगा, जो भी व्यक्ति अगर इसके 21 पत्ते में स्वास्तिक बना करके भगवान गणेश जी को जो है समर्पित करते हैं, भेंट करते हैं, तो न समाप्त होने वाला धन की प्राप्ति होता है। इस पौधे की जड़ को ताबीज में भर करके पहनने से भाग्य उदय होता है। ग्रहों के कुप्रभाव से यह पौधा हमें बचाता है तथा जो व्यक्ति यह जड़ पहनते हैं उससे भूत प्रेत शनि राहु तथा दुष्ट जो ग्रह हैं ये बाल भी बांका नहीं कर पाते, क्योंकि इसके अंदर इतना महिमा है कि भगवान गणेश तथा शंकर जी दोनों की शक्ति स्वरूप बसते हैं। इसे लाल कपड़े में बांध करके घर के मुख्य द्वार पर टांग देने से लक्ष्मी दौड़े चले आती हैं। निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी इस जड़ को धारण करने के बाद पहनने के बाद धनवान बन जाते हैं, उनकी बुद्धि प्रखर हो जाती है। जिनकी बुद्धि प्रखर हो, क्योंकि गणेश जी को बुद्धि का देवता कहा जाता है, तो इसके जड़ धारण करने से बुद्धि बढ़ती है। जिनकी बुद्धि बढ़े उन्हें धन दौलत स्वतः प्राप्त होते हैं। तो इसके जड़ घर में टांगने से अन्न धन की बढ़ोतरी होती है, उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा मंत्र के बारे में बताऊंगा, अगर इस मंत्र को कहीं भी जाकर के आप यह मंत्र गुनगुनाते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, इसका शोर भी मचेगा। कहने का मतलब है कि आप जहां भी जाइए, कैसा भी कठिन कार्य हो, वह कठिन कार्य बिना विघ्न के, बिना बाधा के पूर्ण हो जाएंगे। यह ऐसा मंत्र है जो कि आपको सफलता प्रदान करेंगे। आप जहां भी जाइए आपको तरक्की मिलेंगे। और इतना भी कहा जाता है कि मंत्र के प्रभाव से देवी देवताओं को आप जो बांध करके रख सकते हैं। मंत्र के प्रभाव से अगस्त मुनि ने समुद्र के पानी को पी गया था। मंत्र के प्रभाव से प्राचीन समय के संत महात्मा लोग वायुगमन सिद्धि प्राप्त करते थे, यानी कि आसमान में उड़ते थे। मंत्र के प्रभाव से आज भी हर कार्य संभव कर सकते हैं। मंत्र में इतना ज्यादा शक्तियां होती हैं जिसके बल पर आज भी कुछ भी किया जा सकता है। तो इस मंत्र के बारे में जो है ये जो मैं मंत्र के बारे में बताऊंगा मित्रों, ये जो मंत्र है ना, ये अभी के साबर मंत्र हैं। जो साबर मंत्र हैं कलयुग में प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाते हैं, बाकी जो मंत्र सभी मंत्र किलित हैं। तो इस मंत्र को जहां भी जाइए बिल्कुल ही गुनगुनाना, आप जहां भी जाएंगे वहां पे आपको सफलता मिलेगी। धन दौलत सुख संपत्ति वैभव वह हर चीज आपको प्राप्त होगा जो चीज आप जो है प्राप्त करना चाहते हैं। ये साबर मंत्र है। इस प्रकार से मंत्र बताने से पहले, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल का मकसद है कि हम जो है प्राचीन जो संस्कृति है हमारे भारत भूमि की, वो हम आप सभी तक प्राचीन जो ज्ञान है, प्राचीन जो मंत्रों की शक्तियां, वो सबको आप सभी तक बताने की प्रयास करते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो बना करके, ताकि आप भी अपने सुखमय जीवन को जी सके, कष्टों से छुटकारा पा सके। तो मंत्र इस प्रकार से है। सागर की मोती कौड़ी और संघ, देखो लक्ष्मी दुर्गा काली मेरी सहाय, गुरु शिव की सौगंध। ये जो मंत्र है ये साबर मंत्र है। यह ऐसा मंत्र है जिसका प्रभाव कभी विफल नहीं जाता। बस एक बार आपको करना क्या है, सफेद मोती, काला कौड़ी और कुछ छोटा सा संघ आपको लेना है, और ये तीनों चीज अपने हाथ में रख करके, सॉरी अपने जो है पॉकेट में रख करके या फिर किसी भी चीज में रख करके जाना और इस मंत्र को बस गुनगुना देना। बिल्कुल आप जहां भी जाइए आपको सफलता मिलेंगे। स्वयं शिव जी जो है, स्वयं माँ दुर्गा, स्वयं माँ काली, स्वयं माँ लक्ष्मी आपकी रक्षा करेंगे। ये तीनों शक्तियां मिलकर के आपको धनवान बनाएंगे, आपकी रक्षा करेंगे। जहां भी जाइए आपको सफलता मिलेगा, इसका शोर भी मचेगा। साथियों, आज की इस वीडियो में धन प्राप्ति करने का
सबसे सरल योग बताऊंगा, जिस योग से निर्धन और भिखारी आदमी भी धन वैभव से संपन्न होकर के दूसरे को दान देने में समर्थवान बन जाएंगे। जी हाँ मित्रों, हमारे चैनल का मकसद है सबका भला हो, सबका कल्याण हो। हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करके इसलिए रखें, सब्सक्राइब करके जुड़े हैं ताकि आप सभी की गरीबी और निर्धनता मिट जाए। हमारे द्वारा बताए उपाय से अगर आपकी गरीबी मिटते हैं, आपकी निर्धनता दूर होते हैं, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। हम आप लोगों को वही उपाय बताते हैं, वही सरल योग बताते हैं, वही साधारण से प्रयोग बताते हैं जो कि साधारण से साधारण व्यक्ति कर सके, नॉर्मल से नॉर्मल इंसान कर सके। तो अगर आप इस प्रकार के जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, आप भी चाहते हैं कि प्राचीन ज्ञान की जानकारी आप सभी मित्रों को होते रहे, अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे इस चैनल में आप लोगों को वही जानकारी सिखाए जाते हैं, वही उपाय बताए जाते हैं जो कि साधारण से साधारण व्यक्ति कर सके और अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सके। तो मित्रों, आज मैं आप लोगों को कुश के माध्यम से अपार धन पाने का सबसे सरल आसान संयोग बताऊंगा। जी हाँ मित्रों, कुश को हिंदू धर्म में अति पवित्र घास बताया जाता है और बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान में हम इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि इसके बिना पवित्रीकरण करना संभव नहीं है। इसके जड़ में ब्रह्मा विष्णु शिव सहित तीनों देवियों की शक्ति जैसे कि माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली निवास करती हैं। और प्राचीन ग्रंथों में ये भी बताया जाता है कि अगर इसके जड़ जिस घर में रख दिया जाए धो करके, वह घर पवित्र हो जाते हैं। बड़े बड़े शक्तियां इस जड़ के रखने मात्र से आपके पास नहीं आती, साथ ही इस जड़ को रखने से बड़े सिद्धियां भी मिलने लगती हैं और घरों में नकारात्मक शक्तियां भस्मा हो जाती हैं। और इसके जड़ विधिवत निमंत्रण करके रविवार को पुष्प नक्षत्र में, ध्यान दीजिएगा, इसके जड़ को विधिवत निमंत्रण दे करके रविवार की पुष्य नक्षत्र में खन करके लाया जाए और गंगा जल में स्नान करा करके लाल कपड़े में लपेट करके तिजोरी में रख दिया जाए तो धन की वर्षा होने लगती है और धन स्वयं चल करके आने लगती है, यानी कि पैसे खुद चल करके आने लगते हैं किसी न किसी माध्यम से। इस प्रयोग से अपार धन मिलते हैं। जी हाँ, शुभ नक्षत्र में इसे खन करके लाने और लाल कपड़े में गंगा जल से धोने के बाद, स्नान कराने के बाद आपको अपने धन वाले पेटी में डाल देने, अचानक से आप देखेंगे आपके घर में चारों तरफ से धन आने लगते हैं और इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। प्राचीन काल से ही हमारे बड़े बुजुर्ग शकुन और अपशकुन के बारे में बताते हैं और इन सब के बारे में हमारे ग्रंथों में काफी कुछ लिखा भी गया है। हालांकि इन सभी बातों का कोई वैज्ञानिक आधार तो नहीं है, लेकिन आज भी लोग इन बातों को मानते हैं। शकुन और अपशकुन में कौवे का जिक्र भी आता है और उस पर शुभ और अशुभ की चर्चा भी होती है। शकुन शास्त्र में इससे जुड़ी बातों का जिक्र भी किया गया है। तो आइए जानते हैं कौवा किस तरह आपको धन लाभ का संकेत देते हैं। कौवा के मिलने वाले संकेतों को बताऊंगा इस वीडियो में और इन संकेतों को आपको पहचानना जरूरी है। अगर आप पहचानना सीख जाएंगे तो आपको धन लाभ निश्चित रूप से होगा, आप दुर्घटना से बच सकते हैं, आने वाले भविष्य में जो निकट भविष्य में परेशानी है आप उनसे बच सकते हैं। इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि मित्रों इस प्रकार के अच्छे अच्छे हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़े। मित्रों, सूर्य उदय के समय घर के सामने कौवा बोले तो यह अच्छा शकुन माना जाता है। शकुन शास्त्र के अनुसार यह मान प्रतिष्ठा और धन लाभ मिलने का सूचक होता है। मित्रों, कौवा चोंच से भूमि को खोदता हुआ दिखाई दे तो यह अच्छा शकुन माना जाता है कि इससे खूब सारा धन मिलता है। इसके साथ ही मित्रों, अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं और रास्ते में आपको सूखे पेड़ पर गिद्ध बैठा हुआ दिखाई पड़ जाए तो यह अपशकुन माना जाता है। ऐसा मान्यता है कि आपको तुरंत अपनी यात्रा रोक देनी चाहिए। वही घर की छत पर चील आकर के बैठने लगे तो यह घर पर संकट का सूचक माना जाता है। इसके साथ ही मित्रों, कौवे का पीछे से बोलना शुभ संकेत माना जाता है या आपकी चल रही समस्याओं से मुक्ति पाने का सूचक है। वही अगर किसी महिला के सिर पर कौवा बैठता है तो उसके पति को गंभीर संकट का सामना करना पड़ता है। कौवा अगर चोंच में तिनका, रोटी का टुकड़ा लिए अगर आपको दिखाई देते हैं तो समझ जाइए आपको नजदीक भविष्य में धन लाभ प्राप्ति का संकेत है या आपको कीमती वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। वही अगर कौवा का झुंड घर की छत पर आकर के शोर करने लगे तो घर के मालिक पर संकट आने वाला है, ऐसी मान्यता कहती है। आप रास्ते में हो और आपको पानी पीते हुए कौवा दिख जाए तो आपको धन लाभ हो सकता है, साथ ही जिस काम के लिए जा रहे हैं तो उसमें सफलता भी मिलेगी। वही अगर कौवा पंख फड़फड़ाता हुआ उग्र स्वर में बोले तो वह इसे अशुभ संकेत माना जाता है, निकट भविष्य में आपको परेशानी हो सकती है। मित्रों, आज की वीडियो में जानेंगे रक्त पलाश कल्प के बारे में, जिसके प्रयोग करने से व्यक्ति मृत्यु को जीत सकते हैं, इच्छा अनुसार जीवन यापन कर सकते हैं और शरीर में
कई हाथियों के समान बल आ जाते हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर के आखिरी तक के बने रहें। इस प्रकार की जानकारी बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कम लोगों को पता होता है और बहुत ही कम लोग YouTube में बताते हैं। जो भी मैं आप लोगों को जानकारी बताता हूँ, प्राचीन ग्रंथ स्वर्ण तंत्रम में लिखी हुई जानकारी बताता हूँ, या फिर काकचंडीश्वर कल्पतंत्रम जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें लिखे जानकारी को आप लोगों को बताता हूँ। तो जो भी मैं जानकारी बताता हूँ शास्त्रोक्त होते हैं और प्रूफ किए हुए होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे रक्त पलाश कल्प लिखा है, स्क्रीन शॉट में देख लीजिए। ये जानकारी भगवान शंकर पार्वती को बता रहे हैं कि रक्त कल्प जो पलाश होते हैं लाल कलर के, उसके फायदे इस प्रकार से होते हैं, देवी जानिए। तो पताल पत्र में लेकर के पलाश वृक्ष का बीज और दो नीस का परिमित तेल उसी समान घी और मधुरस मिला करके इसका पान करना चाहिए, यानी कि खाना चाहिए, ऐसा बताया जा रहा है। इसके एक माह प्रयोग से मनुष्य योगी राज नक्षत्रों को भी देखता है तथा देवताओं में वंदनी व अनेक वर्षों तक जीवित रहता है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है। इसके बाद ये देखिए धूप में सुखाया हुआ है जो लाल कलर के देख सकते हैं पलाश, उसके पुष्प का सूक्ष्म चूर्ण दूध में सिंचित पात्र में 21 दिन तक रख करके बाद में अच्छे मुहूर्त में शिव जी के समीप में दूध मात्र का भक्षण करते यानी कि खाते हुए सेवन करें तथा कांजी और अम्ल आदि का परहेज करें। 21 दिन में उसके कल्प से मनुष्य गगनचर यानी कि देवता हो जाता है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है देवता हो जाते हैं, और जो भी हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखे होते हैं वो तो झूठलाया नहीं जा सकता। और ये जानकारी स्वयं भगवान शंकर माता पार्वती को बता रहे हैं और कहते हैं कि वज्र के सदृश हाथी के समान, वज्र के समान उनके शरीर हो जाते हैं, हाथी के समान बल और भीम के समान पराक्रम संपन्न, वार्धक्य और मृत्यु से रहित, कभी भी क्षय नहीं प्राप्त करते यानी कि कभी भी मृत्यु नहीं होती, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये देखिए और लास्ट में लिखा है कि उसके सेवन करने से मनुष्य अधिक समय तक जीवित रहता है, यानी कि लाल पलाश के सेवन करने से मनुष्य अधिक समय तक जीवित रहता है तथा कामदेव के समान कांति संपन्न होता है, ऐसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है। पेड़ पौधा हमारे जीवन में, हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पेड़ पौधा हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं और शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ हमारे कई प्रकार के समस्याओं का अंत भी करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में हम पौधे की पूजा करते हैं। हमारे जीवन में चल रही धन संबंधी समस्या, बहुत सारी समस्याओं को दूर करता है। नकारात्मक ऊर्जा से पेड़ पौधा हमें बचाता है, इसलिए हमें अपने घर में पेड़ पौधा जरूर लगाना चाहिए। स्वयं बड़े बड़े करोड़पति भी अपने घरों में पेड़ पौधा लगाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि पेड़ पौधे से उनके जीवन में परिवर्तन आता है। इस वीडियो में 8 प्रकार के पेड़ पौधा के बारे में बताऊंगा जिसे घर में लगाने से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, हमारे भाग्य जो है बदलने लगता है, हमारी फूटी किस्मत बदलने लगता है और हम दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करते हैं। तो एक बार इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। छोटी सी जानकारी आपकी किस्मत बदल सकते हैं, संवार सकते हैं। मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आते हैं, और जानकारी हमेशा फायदे ही पहुंचाते हैं, हेल्पफुल साबित होते हैं। तो पहले नंबर पे आते हैं अशोक का पौधा। ये पौधा शोभा के लिए आप घर में लगा सकते हैं, ये पौधा शोभा के लिए आप अपने घर में लगाते हैं तो ये आपके शोकों को हरता है, यानी कि आपके जीवन में या फिर आपके घर में चल रही जो दुख है उसे हरता है, क्योंकि इसका नाम है अशोक यानी कि शोकों को हरने वाला। दूसरा पौधा मनी प्लांट का पौधा, ये पौधा घर में लगाने से धन की बढ़ोतरी करता है। नंबर तीसरा मोरपंखी का पौधा, ये पौधा घर में लगाने से घर का वातावरण शुद्ध रहता है, भूत प्रेत तथा काली शक्ति से ये घर को, संपूर्ण घर के जो सदस्य हैं उसे बचाता है। नंबर चौथा कुबेर कंद, ये पौधा घर में लगाने से धन की बढ़ोतरी करता है, ये पौधा घर में लगाने से धन की बढ़ोतरी करता है और ये कद में जैसे जैसे अपने आकार को बढ़ाता है, फिर कद में जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे घर में धन संपत्ति आने लगता है। नंबर पांचवा काली हल्दी, और इसके बारे में मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ। काली हल्दी को लगाने से माँ लक्ष्मी चुंबक की तरह खींचे चले आते हैं, हमारे घर में तेजी से धन की बढ़ोतरी करता है। नंबर छठवा विष्णु या लक्ष्मी कमल, इसे लगाने से, क्योंकि विष्णु लक्ष्मी कमल घर में अगर एक साथ आप लगाते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का कृपा प्राप्त होता है, फिर जिस मनुष्य को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त हो जाए फिर उनके जीवन में कभी भी धन का भाव नहीं होता, किसी भी चीज का भाव नहीं होता। नंबर सातवा नागदौन का पौधा, ये पौधा घर में लगाने से ये हमें सर्पों से बचाता है, हमारे घर के इर्द गिर्द अगर 100 मीटर के आसपास सांप आते हैं तो फट करके मर जाते हैं। नागदौन का पौधा घर में लगाने से हमें नागों से, सांप बिच्छुओं से तथा खतरनाक जो जहरीला जीव है इसे बचाता है। नंबर आठवा शमी का पौधा, इस पौधे को घर पे लगाने से या इसके
इसके पौधे घर में लगाते हैं और इसके पत्ती को माँ लक्ष्मी या फिर माँ दुर्गा को भेंट करते हैं तो हमारे सभी प्रकार के मनोरथ इसके पत्ते भेंट करने से पूर्ण होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो आशा करता हूँ कि 8 प्रकार के पौधे में जो पौधे आपको अच्छा लगे वो अपने घर में जरूर लगाएंगे, इससे आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।